आलिया भट्ट ने अपनी प्रेगनेंसी के अनाउंसमेंट से सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया है। शादी के 2 महीने बाद अपनी प्रेगनेंसी की खबर शेयर करके आलिया भट्ट सुर्खियों में आ गई है। हर कोई रणबीर और आलिया को अपने ही अंदाज में बधाई दे रहा है। प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट के बाद पहली बार आलिया की एक तस्वीर सामने आई जिसमें वो लंदन में मस्ती करते हुए नजर आई। इस दौरान आलिया के साथ उनके फेवरेट करण जौहर, डिजाइनर मनीष मल्होत्रा और करीना कपूर भी दिखाई दी। करीना कपूर और सैफ अली खान पहले से ही अपने बच्चों के साथ लंदन में वैकेशन मना रहे हैं, तो वहीं आलिया भट्ट ने भी अपनी प्रेगनेंसी का अनाउंसमेंट लंदन से ही किया था। आलिया की जो तस्वीरें सामने आई है उसमें वह करण जौहर और मनीष मल्होत्रा के साथ पोज देते हुए दिखाई दी। इस दौरान मनीष मल्होत्रा ने और भी कई तस्वीरें पोस्ट की जिसमें वो कभी करीना कपूर के साथ तो कभी नताशा पूनावाला के साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच आलिया भट्ट ने अपने फैंस को भी नाराज नहीं किया और उनके साथ भी फोटो क्लिक करवाते हुए दिखाई दी। दोस्तों आपको बता दें, आलिया भट्ट ने 27 जून को अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से अपनी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज शेयर की। इसी के साथ आलिया ने 2 तस्वीरें पोस्ट की थी जिसमें से पहली तस्वीर में वो रणवीर के साथ हॉस्पिटल में नजर आ रही है जहां दोनों अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में एक शेर का परिवार था। तस्वीरों के साथ आलिया लिखती है, हमारा बच्चा जल्दी आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें, आलिया भट्ट इन दिनों अपने हॉलीवुड डेब्यू फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन की शूटिंग के लिए लंदन में है। इस दौरान वो अपने फेवरेट पर्सन करण जौहर और मनीष मल्होत्रा के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए भी दिखाई दी। आलिया भट्ट की मां बनने की खबर के बाद से उनकी मम्मी सोनी राजदान, रणवीर कपूर की मां नीतू कपूर ने अपने ही अंदाज में बधाई दी है। इस दौरान कपल की कुछ अनसीन तस्वीरें भी सामने आई हैं, तो वहीं खुद आलिया ने भी अपने रणवीर की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए उन्हें बधाई देने वालों को थैंक यू कहा है। इस दौरान आलिया ने ट्रोलर्स की क्लास भी लगा दी। दरअसल कुछ मीडिया पर्सन से कहने लगे थे कि अब आलिया अपने बचे हुए प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं कर पाएगी। इन सभी बातों का जवाब देते हुए आलिया ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है जिसमें आलिया ने बताया है कि उनका कोई भी प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा और ना ही वो लंबे रेस्ट पर जाएगी। ये 2022 है और वो इस तरह की बातों पर अब बिलीव नहीं करती। तो दोस्तों आपको आलिया भट्ट की ये तस्वीरें कैसी लगी हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गजब खबरें।